मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन एक वह प्रोसेस जिसमें हम कोल को गैसियस फ्यूल के रूप में चेंज करते हैं और जिसका यूज फ्यूल के रूप में करते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन में जो गैसें बनती हैं उसमें सिटी गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस और मीथेन होती है। कोल गैसिफिकेशन में कोल, स्टीम, एयर और ऑक्सीजन का हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन गैस के मिक्सचर बनते हैं, जिसमें टिपिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन मीथेन गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। नेक्स्ट है सिटी गैस। क्या होती है? एक हीटिंग कोयल को वायु की अनुपस्थिति में हीट करा के जो गैस बनती है, जो आर्टिफिशियल गैसेस फ्यूल प्रोड्यूस होगी, उसको हम टाउन गैस, सिटी गैस या कोल गैस कहते हैं। यह गैस जो है कोल में काफी प्रोसेस के बाद उसको अपग्रेड करते हैं तो सिंथेसिस। नेचुरल गैस जो है एक गैसियस फ्यूल जो कोल और नेप्ता के द्वारा बनता है, जिसमें 95 से 98% मीथेन होता है। मैन्युफैक्चर्ड गैस है, इस गैस को हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के द्वारा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑयल के द्वारा और स्टीम एयर कोल की हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन करा के बनाते हैं। एग्जाम्पल आपका है कोल गैस जो है बनती है कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, ब्लू गैस, प्रोड्यूसर गैस और कार्बोनेटेड वाटर गैस। सेवरल डिफरेंट कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस 1880 के आसपास रिसर्च हुआ था इस पर, लेकिन नए सिस्टम जो है वो 1980 के आसपास इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसमें कुछ स्टेप थे, एडिशन ऑफ कोल इनटू प्रेशराइज स्टीम, हीटिंग ऑफ एग्लोमेटिंग कोल, सल्फर रिमूव, एस रिमूव, कैटालिटिक शिफ्ट कन्वर्जन और मेथमिनेशन। नेक्स्ट है आपका फ्लो शीट ऑफ कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो इसमें पहला आपका है कोल हाइड्रोगैसिफिकेशन। इसमें कोल को स्टीम और हीट के हीट करते हैं तो ये CH+C में चेंज हो जाता है और इस कार्बन की हाइड्रोजन क्रिया करा के मीथेन में चेंज होता है और इसकी अगर हम H2S क्रिया कराते हैं तो ये CO+H2 बन जाता है और CO+H2 जो है वो CO2+H2 में चेंज हो जाता है। कैटालिटिक शिफ्ट कन्वर्जन में CO+H2O जो CO2+H2O में चेंज हो जाता है। यहाँ पे H2O और CO का रेशियो 3 से कम होता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा CO2 और H2S निकलती तथा ऑर्गेनिक सल्फर भी बनता है। यहाँ पे H2S और CO का रेशियो 3 से ज्यादा हुआ। कैटालिटिक मेथमिनेशन में हाइड्रोजन और CO की क्रिया करा के ये CH4 तथा H2O में चेंज हो जाता है, वाटर डिस्चार्ज हो जाता है और ये आपका सिंथेसिस नेचुरल गैस बनती है, जिसमें 95 से 98% मीथेन गैस होती है। तो ये 4 स्टेप हैं कोल गैसिफिकेशन के: हाइड्रोगैसिफिकेशन, कैटालिटिक शिफ्ट कन्वर्जन, प्यूरिफिकेशन और कैटालिटिक मेथमिनेशन। तो आगे का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।